हाय एवरीवन, मैं मिसबा ब्यूटी 9 से आज मैं 3 टिप्स दे रही हूँ। ये मेकअप टिप्स है इंटरव्यू मेकअप के लिए। मैंने एक वीडियो भी किया हुआ है इस पर कि आपको इंटरव्यू में आप कैसा लुक वेयर कर सकते हैं। तो आज मैं टिप दे रही हूँ कि क्यों मैंने उसमें ऐसा किया है या आपको क्या करना चाहिए ये बताना है। तो सबसे पहले आप हैवी फाउंडेशन मत यूज़ कीजिएगा। आप ज़्यादा हैवी फाउंडेशन नहीं यूज़ कर सकते। कोशिश कीजिए कि मैट फाउंडेशन यूज़ कीजिए अगर आपको बहुत कवरेज चाहिए तो। और जैसे कि ये लॉरियल मैट मजीक है, ये बहुत ही मैट है, ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है। मैट मैं इसलिए कह रही हूँ, अगर ऑयली स्किन है आपकी तो आप सेमी मैट ले सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत स्वेटिंग होती है जो इंटरव्यू के टाइम हम डरते हैं, घबराते हैं, तो हमें स्वेटिंग थोड़ी ज़्यादा होती है। इसलिए मैं ये गार्नियर बीबी क्रीम भी यूज़ करूँगी इसके साथ, इस फाउंडेशन के साथ, ताकि नेचुरल फिनिश आए। इंटरव्यू में आप ज़्यादा केकी और पूरा फुल कवरेज मेकअप नहीं वेयर कर सकते, अच्छा नहीं दिखता है वो। इसलिए थोड़ा सा अमाउंट इसका हैंड के बैक पे और थोड़ा सा अमाउंट इसका, ये दोनों को मिक्स करना है हमें और फिर हम अप्लाई करेंगे। आप चाहें तो सिर्फ बीबी क्रीम भी लगा सकते हैं, वो इनफ है अगर आपको आपको बहुत कवरेज नहीं चाहिए तो। हाँ, हमें नेक भी कवर करना है। Oh my God! थोड़ी देर में इट विल एडजस्ट माय फेस, क्योंकि ये जो फाउंडेशन है ये मुझे ऑक्सीडाइज होता है थोड़ा, ज़रूरी नहीं है आपको भी हो। मेरी स्किन, मेरा जो ऑयल प्रोडक्शन है स्किन का, उस हिसाब से ऑक्सीडाइज होता है मुझे। अब अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं, हमें हाइलाइटिंग तो करना नहीं है, तो उसके लिए आप कंसीलर लें। ये कलर एसेंस का कंसीलर है, मैं जो शेड ले रही हूँ थोड़ा पिंकिश सा शेड है इस तरह का, ये पैन स्टिक है एक्चुअली, बट ये कंसीलर का बहुत अच्छा वर्क करती है, तो हमें इसे लेना है और सिर्फ आईज के नीचे प्लेस करना है। इस तरह ये, ताकि आपका डार्क सर्कल हाइड हो जाए। हम पूरा प्रॉपर हाइलाइटिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें ऑफिस मेकअप है इसलिए। तो ये था सेकंड टिप। आप इतना करके आप अपना लिप बाम या लिपस्टिक लगा लें। मैं ये निव्या का लिप बाम यूज़ कर रही हूँ आजकल। ये थोड़ा सा लाइट शेड देता है तो ये मुझे उतना पसंद नहीं है, बट ये जो कलर एसेंस की लिपस्टिक है ये वाली, इसका शेड है शेड नंबर 11, प्रिस्टीन पिंक। ये इस तरह का पिंक है। ओके, ये बहुत डार्क है। अगर आप इतना डार्क वेयर नहीं करते हैं तो इसमें लाइट पिंक भी आता है, वो है अर्बन बैलेट, वो भी बहुत अच्छा कलर है। मैं सिर्फ ये जो लिप बाम है इसे लगाकर ये मैंने लगाया, ये देखिए बहुत वाइट सा है, तो एक्स्ट्रा जो भी होता है वो मैं टिश्यू में डैप कर लेती हूँ और इस लिपस्टिक से हल्का सा फिंगर्स में लेके कलर डैप कर लेती हूँ ताकि लिप्स कलर्ड दिखें और ज़्यादा ना दिखे।
तो ये काफ़ी नेचुरल सा लुक आता है। अगर आप इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हैवी लिप्स नहीं चाहते हैं और बहुत हैवी ना दिखे, तो ये आपके लिए थी थर्ड टिप। और एक एडिशनल, अब आप चाहें तो आप काजल लगा सकते हैं, पर आपको बहुत लाइट लगाना है, जैसा मैंने उस वीडियो में लगाया है। इंटरव्यू में कुछ भी बहुत ज़्यादा ओवर या हाईलाइटेड बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता है। तो ये मैं लाइनर बता रही हूँ कि आप लाइनर कैसे लगाएं। बहुत पतला लाइनर लगाना है, हमें बिल्कुल विंग विंग नहीं बनाना है, सिंपल बेसिक, ताकि आपकी आईज लाइन हो जाए। ये जो मैं लाइनर यूज़ कर रही हूँ, ये मेबलिन हाइपोग्लॉसी का है। ये अगर आपकी आंखें बहुत झुकी हुई हैं, तो आप इतना एक हल्का सा विंग दे सकते हैं, एक लाइन की तरह। बस आपको आपकी आईज डिफाइन करनी है एक्चुअली। ये इस तरह, तो ये देखिए बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि मैंने इतना लाइनर लगाया है, सिर्फ पतला सा लगाया है और आईज जो है डिफाइन हो गई है। तो ये था एक और एडिशनल टिप। आप और मैंने जैसे इस वीडियो में कहा है कि आप कॉन्टोर करें या ब्लश करें, दोनों में से एक चूज़ कीजिए कुछ। दोनों बहुत ज़्यादा ओवर हैवी मेकअप दिखता है। बेसिकली मैं प्रेफर करती हूँ कॉन्टोर करना, वो भी बहुत लाइट। ये मैं पतले से ब्रश से सिवाना का ब्रॉन्जर लेकर हल्का सा सिर्फ आपको कर कर दिखा रही हूँ। ऑलरेडी उस वीडियो में पूरा मेकअप है, पर इस लुक को कंप्लीट करने के लिए मैं थोड़ा सा करके दिखा रही हूँ। बहुत थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ, इसलिए इसी ब्रश से हल्का कॉन्टोर कर ले रही हूँ। आपको फ्लफी बड़ा ब्रश ही लेना है, उससे आपको ज़्यादा स्मूथली करते बनेगा। ये सिर्फ मैंने लुक कंप्लीट करने के लिए बताया है। तो ये हो गया, ये बहुत ही मिनिमल मेकअप है। और फाउंडेशन का शेड लाइट दिख रहा है ना, ये फाउंडेशन हमेशा ऐसा करता है मेरे साथ। तो पर हाँ, आप अपना मैचिंग फाउंडेशन वेयर कीजिए और ये थोड़ी देर में खैर सेट हो जाएगा। और हमेशा अपना कॉम्पैक्ट कैरी करिए, क्योंकि हम इंटरव्यू के टाइम इतने ज़्यादा डरे हुए रहते हैं, थोड़े से टेंशन में रहते हैं, तो बहुत स्वेटिंग होती है हमें और मेकअप फॉल हो जाता है, पूरा पूरा मेल्ट होता है एक्चुअली। तो उसके लिए आपको कॉम्पैक्ट बहुत ज़रूरी है। तो ये थे तीन टिप, जिसमें से एक एडिशनल भी था। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।